दोस्तों, हम सभी बैंगलोर सिटी के बारे में जानते हैं। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बहुत सी आईटी कंपनियों के ऑफिस बैंगलोर में है। हर साल बहुत सारे लोग नौकरी के तलाश में बैंगलोर आते हैं। क्या आप जानते हैं बैंगलोर में कुछ ऐसी जगहें हैं जो हॉन्टेड हैं? मेरे चैनल मिस्ट्री अनस्क्रिप्टेड में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको इन हॉन्टेड जगह पर ले चलता हूँ। नंबर वन, कलपल्ली सेमेट्री। जब बैंगलोर के हॉन्टेड प्लेसेस की बात आती है तो कलपल्ली कब्रिस्तान निस्संदेह सूची में सबसे ऊपर आता है। ये कब्रिस्तान बैंगलोर के सबसे पुरानी कब्रिस्तान में से एक है। इस कब्रिस्तान के साथ रहस्य का अपना हिस्सा जुड़ा हुआ है। सूरज ढलने के बाद कई लोगों ने कब्रिस्तान के आसपास एक आदमी को दुबके रहने का भयावह दृश्य देखा है। इसके अलावा कई लोगों ने समझ से बाहर होने वाली चीजों को महसूस किया है, जैसे कि लगातार कोई उनको फॉलो कर रहा हो और जब वो पीछे मुड़के देखता है तो कोई नहीं दिखता, और कुछ कब्रों के आसपास हवा में भारीपन। ये जगह इतनी डरावनी है, चौकीदार भी रात में नहीं रुकते। अगर आप सूर्यास्त के बाद इस जगह जाना चाहते हो तो साथ में जरूर किसी दोस्तों को लेके जाना। कलपल्ली सेमेट्री ओल्ड मद्रास रोड में है। नंबर टू, टेरा वेरा मैंशन। एज वाज द्वारा बनाई गई ये हवेली 1943 की है। 2002 में एक अज्ञात हत्यारे ने वाज की बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि ये जगह बैंगलोर के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। कई लोग दावा करते हैं कि यदि आप रात में हवेली के अंदर रहने वाले डरावना भूतों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जाते हैं तो बाहर निकलने पर आप सभी वीडियो खो देंगे। हालांकि इस मैंशन को डिमोलिश कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। टेरा वेरा मैंशन सिटी मार्केट के पास है। नंबर थ्री, विक्टोरिया हॉस्पिटल। विक्टोरिया हॉस्पिटल की एक अजीब रहस्य है जिसे कोई भी अभी तक सुलझा नहीं पाया। कुछ स्टाफ सदस्यों के अनुसार कई साल पहले हॉस्पिटल में मरने वाली एक महिला की आत्मा इस जगह पर रहती है। आमतौर पर लोग रात में किसी महिला के रोने की आवाज सुनते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने एक महिला को हॉस्पिटल के अंदर पेड़ों पर बैठा हुआ देखा है। लेकिन जो बात इस मामले को असामान्य बनाती है वो ये है कि ये भूत इंसानों के पीछे नहीं बल्कि खाने के पीछे है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका खाना बार बार अजीब तरह से चोरी हो जाता है। यदि आप इस साइट पर जाने की योजना बना रहे हो तो उस अदृश्य मित्र के लिए खाना जरूर लेके जाना। विक्टोरिया हॉस्पिटल सिटी मार्केट के पास है। नंबर फोर, नेशनल हाईवे फोर। कहा जाता है कि बैंगलोर मुंबई नेशनल हाईवे हॉन्टेड है। ये दावा किया जाता है कि एक महिला की आत्मा है जो सड़क के इधर उधर भटकती है और लिफ्ट मांगती है। जब गाड़ी रुकती है तो आत्मा गायब हो जाती है, लेकिन बाद में फिर से कार के सामने सड़क पर दिखाई देती है। नंबर फाइव, नाले बा। नाले बा का अर्थ है कल आओ, और ये आत्माओं को दूर रखने के लिए कर्नाटक के कई गांवों में रहने वाले लोगों के दरवाजे पर लिखा रहता। कहावत के अनुसार एक दुल्हन का भूत है जो रात के समय अपने दूल्हे की तलाश में सड़कों पर घूमती रहती है। वो हर एक दरवाजे पर दस्तक देती है और परिवार के किसी सदस्य की आवाज में बोलती है ताकि कोई दरवाजा खोल दे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दरवाजा खोलते हैं तो वो परिवार के एक आदमी को अपने साथ ले जाती है। इस लोक कथा पर आधारित स्त्री नाम की एक बॉलीवुड फिल्म भी है। नंबर सिक्स, बनियान ट्री इन तिप्तूर। बरगद के पेड़ को हिंदू पौराणिक कथाओं में बुरी आत्माओं का घर माना जाता है। ये बनियान ट्री तिप्तूर में है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस बनियान ट्री के पास गए थे उन लोगों को एक्सीडेंट में डेथ हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ को काट दिया गया था, फिर भी यहां नेगेटिव एनर्जी महसूस की जा सकती है। नंबर सेवन, होस्कोटे रूट। जब हम बैंगलोर में हॉन्टेड स्थानों के बारे में बात करते हैं तो होस्कोटे रूट एक ऐसा नाम है जो जरूर इस लिस्ट में आता है। इस सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव हुआ है। एक कहानी के अनुसार एक ऑटो ड्राइवर ने एक बूढ़ी औरत को सवारी के लिए कहते हुए देखा, और जब वो उसके लिए रुका तो उसने उसे बाहर आने और उसकी चीजों में मदद करने के लिए कहा। तो ऑटो चालक को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने मना कर दिया। उसके बाद बूढ़ी औरत हंसने लगी और कहा कि अगर वो ऑटो से बाहर निकलता तो मर जाता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। टिल देन, गुड बाय।